का टॉपिक है उन्हें आपसे प्यार क्यों हुआ। तो कलेक्टिव रीडिंग है, उनकी दिल की हालत क्या थी उस वक्त या फिर आज भी क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो में से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। शुरुआत करेंगे टारो से। एक, दो, तीन, चार और ये हो गया 5। और ओरेकल में से देख लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 और ये होगा 10। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड है पेज ऑफ रॉड्स का, यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे ये जो पेज है वो किसी को आवाज दे रहा है, आप देख रहे हैं इसके एक्सप्रेशन। तो उन्हें आपसे मिलके ही ऐसा लगा कि जैसे उनका दिल जिसको पुकार रहा था वो पर्सन उन्हें मिल गया। जैसे यहाँ पे इसके गले में सन की इमेज है, जो कार्ड सन का कार्ड हम टैरो में देखते हैं वो सबसे अच्छा कार्ड होता है। तो उन्हें आपसे मिलते ही एक अलग ही लेवल का हैप्पीनेस महसूस हुआ। उनको ऐसा लगा कि जैसे मेरा दिल जिसको पुकार रहा था वही है ये पर्सन। और जैसे यहाँ पे इस पर्सन के हाथ में वैन है, तो ऑलरेडी आपको देखते ही शायद लव एट फर्स्ट साइट उनकी तरफ से हो गया और उनका दिल उन्हें यही कह बैठा कि ही और शी इज द राइट पर्सन। तो देखते ही शायद उनको आपसे प्यार हुआ, इस तरह की कुछ एनर्जी थी। नेक्स्ट है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे रात को सोते वक्त ये पर्सन कुछ प्रेयर कर रहे हैं, वैसे ही शायद उन्हें लगा कि जो वो हर पल दुआ करते थे ऊपर वाले से कि हे भगवान मुझे अपना लाइफ पार्टनर मिला दो या फिर मुझे कोई तो ऐसा पर्सन दो जो मुझसे सच्चा प्यार करे, तो उन्हें ऐसा लगा कि उनकी दुआएं रंग लाई है। और उन्हें जैसे यहाँ पे सॉर्ड रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को, तो उनको ऐसा लगा कि जैसे ऊपर वाले ने उनके दिल की आवाज सुन ली है। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटेकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे 7 का कार्ड है, ये विश का साइन भी होता है स्टार का। तो उनको सैडनेस फील हो रहा था अपनी जिंदगी में और आपके मिलते ही कहीं ना कहीं वो इस सैडनेस से बाहर निकल पाए। मतलब उन्हें ऐसा लगा कि हाँ अब कहीं मुझे सच में इस एनर्जी से निकलने के लिए कोई तो वे आउट मिला है। जैसे यहाँ पे अगर इस पर्सन को सैडनेस में कोई बात करने के लिए जाए तो ये पर्सन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा सैडनेस की एनर्जी से। वैसे ही शायद आप जब दोनों मिले थे, हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये कार्ड जाए, तब आपके पर्सन जिंदगी में एक सैड फेज से डील कर रहे थे और आपसे मिलके ही उन्हें ऐसा लगा कि मैं अब इस फेज में सैडनेस के कभी वापस नहीं जाने वाला, क्योंकि मुझे जिंदगी में जो हैप्पीनेस चाहिए था वो मिल गया। अभी हमने डिस्कस किया और ये देखा कार्ड क्या आया है। 9 ऑफ कप्स, ये विश कार्ड होता है, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो पल भर में उस पर्सन की एनर्जी सैडनेस से हैप्पीनेस में बदल गई। इस तरह का शायद आपका दोनों का कनेक्शन रहा है। मतलब मे बी शायद ये पर्सन उस वक्त लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे,
हो सकता है कुछ लोगों का ब्रेकअप वगैरह भी हुआ था, और ऐसे में आपसे मिलने के बाद इस पर्सन को ऐसे लगा कि जैसे मुझे मेरी जिंदगी में जो विश चाहिए थी वो पूरी होने वाली है या फिर ऑलरेडी हो चुकी है, लाइक विश कम ट्रू ऐसा उन्हें महसूस हुआ, जिस वजह से ऑटोमेटिकली सैडनेस की फेस से हट के ये पर्सन हैप्पीनेस में पहुंच गए। नेक्स्ट है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो शायद बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सेवन का कार्ड दो बार आया है, यहाँ पे भी सेवन ऑफ पेंटेकल्स है और यहाँ पे भी सेवन ऑफ सॉर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं एंजेलिक ब्लेसिंग्स भी शायद आप दोनों के रिश्ते को मिली है, और ये पर्सन मोस्टली आपसे बातें सुनना ज्यादा पसंद करते, क्योंकि यहाँ पे जो सॉर्ड्स है वो इस पर्सन ने अपने हाथ में उठा के रखी है, बाकी की दो सॉर्ड्स ऐसे नीचे ही झुकी हुई है, तो शायद इस पर्सन को आपकी बातें बहुत ज्यादा पसंद आई, मतलब आपका बात करने का अंदाज हो या फिर आपको खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका हो वो इन्हें काफी ज्यादा पसंद आया। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। मैरिज, इस पर्सन को आपको देखते ही ऐसा लगा कि आप कंप्लीट मैरिज मटेरियल है, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसके साथ हम अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, पूरे लाइफ के सपने हमें लगता है कि इसके साथ पूरे होंगे, एक फैमिली पर्सन ऐसा जो हम अपनी फैमिली से उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद हमें यकीन हो कि हाँ कोई मना नहीं करने वाला, इस तरह की खूबी है, और साथ ही साथ हमें हर तरह का सपोर्ट मिलने वाला हो, ऐसा मैरिज मटेरियल। तो मेल फीमेल जो भी पर्सन है आपके पर्सन को आप मैरिज मटेरियल लगे। म्यूचुअल अट्रैक्शन, कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगा कि आप दोनों के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन भी है, जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि लव एट फर्स्ट साइट कुछ लोगों का हो सकता है, वैसे ही उन्हें भी लगा कि कहीं ना कहीं आपके दिल में भी शायद उनके लिए वैसी ही फीलिंग है जैसे वो आपके लिए पहली बार फील कर रहे थे, सपोर्टिव। तो आपका जो नेचर है वो उन्हें काफी ज्यादा सपोर्टिव लगा, शायद इसी सपोर्टिव नेचर की वजह से उन्हें आपसे प्यार हुआ। डीप अट्रैक्शन, तो इस पर्सन को आपको देखते ही एक अलग ही लेवल का डीप अट्रैक्शन भी महसूस हुआ, ये भी वजह हो सकती है कि उनको उन्हें आपसे प्यार हुआ। लव टू सेल्फ, आप शायद बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखते हैं या रखते हैं, मतलब आपका टोटल पर्सनालिटी, टोटल बिहेवियर, आपके लुक्स, खुद को दुनिया के सामने प्रेजेंट करने का जो तरीका है, अपनी बात कहने का जो तरीका है, आपका जो अंदाज है, या फिर छोटी मोटी हर एक बात, जिससे आपके पर्सन को यही लगा कि आप बहुत अच्छे से खुद का ख्याल रखती हैं या रखते हैं। मतलब जो पर्सन अगर खुद का इतना ख्याल अच्छे से रख रहा है तो वाई नॉट मेरा भी ये रख ही पाएगा, मतलब उन्हें ऐसा लगा कि जैसे आप अपना ख्याल रखते हैं वैसे ही उनकी लाइफ में आ जाने के बाद आप उसी तरह से उनका भी बहुत अच्छे से ख्याल रख पाएंगी या रख पाएंगे, जिस वजह से उनको भी ऐसा लगा कि हाँ मेरा भी ख्याल रखने वाला कोई मुझे मिल गया। रॉकी पैच, मे बी इस पर्सन ने और आपने थोड़ा सा कुछ लाइफ में स्ट्रगल किया हो सकता है लाइफ में, और इसी वजह से इस पर्सन को ऐसा लगा कि आप अगर जिंदगी में ऐसा कभी रॉकी पैच दोनों को मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि उस पैच में आप उनका साथ नहीं देंगे, मतलब जो हो सकता है अगर आप दोनों ने भी ऐसे किसी पैच को अपने अपने लेवल पे हैंडल किया है और मे बी आप दोनों ने अगर डिस्कशन किया है ऐसे किसी फेज का, तो उन्हें ये एहसास हुआ कि हाँ यू आर ऑल्सो फाइटर, मतलब आप भी उस दौर से गुजरे हैं और आपको भी अंदाजा है कि वो मुश्किलें होती क्या है या मुश्किलों का सामना कैसे करना है, तो ये बात भी उन्हें आपकी तरफ ज्यादा खींचते चली आई। नेक्स्ट है फन, जो पर्सन बहुत ज्यादा सैडनेस में था यानी कि उदास था, उनको आपसे मिलने के बाद जिंदगी में सच में जीने का मजा महसूस होने लगा, मतलब जैसे यहाँ पे विश कार्ड में हमने देखा कि नाइन ऑफ कप्स में उन्हें ऐसे लगा कि उनके सभी इमोशंस आपसे मिलने के बाद बहुत अच्छी तरह से फुलफिल हो रहे हैं, मतलब सच्ची दिल से उन्हें ऐसा लगा कि मैं भी जिंदगी में मजे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जिंदगी का जीने का मजा उन्हें फील हुआ आपसे मिलने के बाद। वेटिंग फॉर लव, कब से शायद वो सच्चे प्यार के लिए राह देख रहे थे, जैसे यहाँ पे पेज के कार्ड में हमने देखा कि ये आवाज देके किसी को पुकार रहा है लेकिन कोई शायद आ नहीं रहा था, और आपसे मिलने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि जैसे यही है वो पर्सन जिसकी मैं प्यार के लिए राह देख रहा था। फ्रेंडशिप, मे बी आप लोगों में से कुछ लोगों की शुरुआत फ्रेंडशिप से हुई होगी, तो उन्हें एक अच्छा फ्रेंड तो मिल ही गया, लेकिन साथ ही साथ ये फ्रेंडशिप उन्हें पता था कि ये जरूर
एज सुन एज पॉसिबल लव रिलेशनशिप में चेंज होने वाली है फ्रेंड, तो उन्हें शायद ये फ्रेंड का नाम आपने दिया था कि वी आर जस्ट फ्रेंड, लेकिन ये पर्सन हमेशा से आपको मोर देन फ्रेंड समझ रहे थे और उन्हें ये एहसास था कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए मैरिज मटेरियल है और इसीलिए मुझे इस फ्रेंडशिप से यहाँ तक जाना है। तो ये था रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर।